करने का कहां से जुनून पैदा हुआ आपको जहानाबाद में? मेरा टॉप है, अपना शहर है, सबसे अलग है जहानाबाद, नंबर वन है। प्राचीन दिव्या स्टेशन मोड़, लाल मंदिर, अरो मोड़, पाइन डग, मचम मोड़, गांधी मैदान, एलोरा, भिटिया, टेनी बीघा, पालीगंज, बाल्टीपेटी, बस स्टेशन, सटी मोड़, उठा मोड़, नाइट टोला, जहानाबाद में आओ, मिल के मचाओ, संडे को तुम मुर्गी बनाओ, जहां भी जाओ पूरा मचाओ, मेरा रैप सॉन्ग। हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। राजगीर वाले में जो मलमास मेला था, बहुत अच्छा प्यार दिए, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहे। चलिए आपको एक शख्सियत से मिलाते हैं जो जहानाबाद से हैं। तो चलिए एक भाई है, रैप करते हैं जहानाबाद में। आप पटना गए अगर रैप तो सुने ही होंगे, तो चलिए आपको जहानाबाद का रैप सुनाते हैं। अगर भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो फटाफट फॉलो कर ले, चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चलिए भाई से भी मिलाते हैं जो रैप कर रहे हैं जहानाबाद में, और ये अलग पहचान लिख रहे हैं। हम ब्लॉगिंग चैनल कर रहे हैं और भाई आप रैपर चैनल है, तो भाई से भी बात करते हैं। तो कैसा आपको लग रहा है जहानाबाद में रैप करके? जहानाबाद में रैप करके हमको बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि बहुत जगह लोग, सभी जगह लोग अपना अपना जगह पर रैप बना रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहता था कि कोई जहानाबाद पर रैप बनाए, और मैंने रैप बनाया बहुत सारा, उस पर लगता है 4 से 5 वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें से सबसे जो बढ़िया गया है उसका व्यूज जहानाबाद टॉप, जहानाबाद टॉप, उसमें लोग बहुत सारे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही एकदम लोकल तरीके से शूट किए थे, उसमें बहुत ही लोकल लैंग्वेज में था, और जहानाबाद टॉप ऐसे भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और हाल ही में एक न्यूज रैप सॉन्ग निकाले थे जो जहानाबाद पर था, इसमें था बहुत बढ़िया सा बोल, बोल सुना दे आप तो ज्यादा बेटर होगा कि व्यूवर को भी पता चले कि जहानाबाद में रैप कैसा हो रहा है। मेरा टॉप है, अपना शहर है, सबसे अलग है जहानाबाद, नंबर वन है। प्राचीन दिव्या स्टेशन मोड़, लाल मंदिर, अरो मोड़, पाइन डग, मचम मोड़, गांधी मैदान, एलोरा, भिटिया, टेनी बीघा, पालीगंज, बाल्टीपेटी, बस स्टेशन, सटी मोड़, उठा मोड़, नाइट टोला, जहानाबाद में आओ, मिल के मचाओ, संडे को तुम मुर्गी बनाओ, जहां भी जाओ पूरा मचाओ, मेरा रैप सॉन्ग तुम सबको सुनाओ, ये रैपर बॉय इक्के। और एक गाना था जो हाल फिलहाल में रिलीज किए थे, उसका ऐसे है कुछ सॉन्ग, जहानाबाद में तुम कभी आओ मेरा भाई, हर दिन यहाँ नया हम लाए कलकत्ता से, नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरा भाई, जहानाबाद पर तो जहाँ नाम भी हार है, ये अपना पूरा एरिया के शान, हम सब की भाई ये पहचान है, जहानाबाद के लड़के सब बहुत बहुत हार, जहानाबाद से पूरा भाई हम करते हैं प्यार, भीड़ पीछे कभी नहीं करते हम बात, जीना जहानाबाद बंग मेरा भाई, इसमें कोई नहीं शक मेरा भाई, ये कुछ ऐसा ही था। रैप करने का कहाँ से जुनून पैदा हुआ आपको जहानाबाद में? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब एक बहुत ही एक आया था, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ क्रेज आया था, जैसे कि था पगला पगली 2, उसमें जेड भी बहुत अच्छा काम, हाँ जेड भी कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि देखा हूँ कि जैसे कि मैं बहुत चीज करना चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कि हाँ स्टूडियो में जाऊँ, स्टूडियो में अगर जाऊंगा तो बहुत सारे उसके लिए पैसा चाहिए, जो कि ठीक है स्टूडियो में चल भी जाऊंगा, लेकिन बजट इजाजत नहीं दे रहा था। और है अगर स्टूडियो में चल जाएंगे ठीक है, एक सॉन्ग बना लेंगे, दूसरा सॉन्ग बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास तो पैसा की लिमिट में है, ऐसा थोड़ी ना बहुत सारे, क्योंकि घर से ले रहा हूँ और मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, मम्मी पापा दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे, आप लोग भी जहानाबाद भाई को सपोर्ट करें, फिर देखें कि ठीक है। तो जेड भी तो देखें, सबसे स्टार्टिंग एक था इंडियन आर्मी सॉन्ग, तो उसमें देखें कि वो जितना भी चीज किया सब मोबाइल से कर लिए, जैसे कि म्यूजिक का हो गया, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, चाहे वीडियो बनाना, शूट करना, तो सोचा कि मैं भी क्यों नहीं करता, वो स्टार्टिंग करना क्या जाता है, फिर आगे तो इम्प्रूव करूंगा ही, फिर देखें फिर हम भी अपना क्या किए, लिए मोबाइल अपना, और ओप्पो का मोबाइल था A15, उसमें रिकॉर्ड किए, म्यूजिक लिए यूट्यूब से, और उसमें रिकॉर्ड मिक्सिंग मास्टरिंग करके डालें, उस पर अच्छा खासा व्यूज भी गया, जैसे स्टार्टिंग में ही गया था मेरा 2K, और लोग पसंद भी किया, कहें कि हाँ कुछ बढ़िया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कंटिन्यू स्टार्ट करते गए, तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम से भाई से बात हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद आज हम लोग डायरेक्ट शूट पे आ गए हैं, तो लोकेशन भी आपको हम बता दें, इंदौर स्टेडियम पार्क को जानते ही है, तो वही शूट हो रहा, तो भाई से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्या जहानाबाद में, हम तो ब्लॉगिंग चैनल से बहुत ज्यादा शूट किए तो बहुत ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा, आपको क्या दिक्कत सामना पड़ा, क्या यहाँ पे सबसे अच्छा पल आपका अब तक का यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब की दुनिया में सबसे अच्छा पल कौन सा था? मेरा सबसे अच्छा पल था जहानाबाद टॉप, क्योंकि जानते हैं उसमें क्या हुआ, जैसे देख लीजिए, शूटिंग तो करना था, लेकिन उसमें शूटिंग करने से पहले बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने रुका नहीं, कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत सारे और भी बॉयज आए हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई आज पानी पड़ रहा है, आज शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं होगा तो होगा,
फिर क्या हुआ, पानी थोड़ी देर के बाद रुका, जिससे कि हो गया आधा से आधा घंटा नहीं बोल सकते, लगता दो से ढाई घंटा लग गया था। उसके बाद हुआ फिर अपना आराम से शूटिंग किए, और दो बार में किए थे शूटिंग, जैसे एक हो गया इधर का था, जैसे कि स्टेशन पर हम स्टेशन पर भी पूरा शूटिंग अपना कर लिया, स्टार्ट किए थे जानवर स्टेशन से, और वहाँ से स्टार्ट किए, फिर वहाँ से किए, फिर उसके बाद करते करते फिर गांधीनगर गया, फिर गांधीनगर शूट किए, और जितना जब शूटिंग हो गया, ये ऐसा लगता है शूटिंग दशहरा से पहले हुआ था, और उसके बाद दशहरा से पहले रिलीज भी किए थे उसका, तो अपना शूटिंग किए और फिर वही एडिट ये सब किए हैं और अपना डाल दिया वीडियो, और लोग बहुत अच्छा उसमें रिव्यू दे रहे थे, बस ये सीन था। तो भाई का भी सुने कि किस तरीके से यहाँ पे रैप किया जा रहा है, अगर चैनल पे नहीं गए हैं भाई के तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक क्लिक कर लीजिएगा तो आप टोटल इनका गाना या रैप दोनों सुन सकते हैं, आपको बहुत एंजॉय होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्या ना वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।